बस फाइनली स्टेशन पर तो बात हो गए हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सवेरे सवेरे जाने पड़ रहा है स्टेशन, क्योंकि कोई आ रहे हैं सकूराबाद से, कोई जिया जी आ रहे हैं, तो मेरे कजिन जिया जी आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करने जा रहे हैं। तो होली के त्यौहार आ रही है ना, तो चना लेके आ रहे हैं। कुछ चना वाला खेती करते हैं, तो चना लेके आ रहे हैं। तो मेरे के यहाँ नहीं आएंगे, आंटी के यहाँ जाएंगे। तो आंटी के यहाँ ड्रॉप करना होगा, ड्रॉप करके फिर उनको लाना होगा स्टेशन। तो फिर चलते हैं। अभी सुबह के 6:03 हुई है, तो मैं रेडी हो गया हूँ नहाकर। खाना तो नहीं खाए हैं, आंटी ही खा लेंगे। तो मैं रेडी हो गया हूँ नहाकर, फिर चलते हैं स्टेशन। बस फाइनली स्टेशन पर तो बात हो गए हैं, पर वो अभी तक नहीं आए। उनसे कॉल करके पूछते हैं कौन सी स्टेशन अभी पहुँचे हैं और कितना समय लगेगा हमारे स्टेशन पहुँचने में। तो उनके पास कॉल करते हैं, तो उनके पास फ़ोन करने वाले थे और फ़ोन किए तो वो स्टेशन पर अगल बगल, हमारे स्टेशन पर अगल बगल आके बैठे हुए हैं। हम सोचे कि वो अगले वाला ट्रेन से आएंगे, तो पहले वाला ट्रेन से आ गए थे। वैज हम लोग सिरीपुर मार्केट पहुँच गए हैं, और जो गेस्ट आए हैं वो मिस्टिक लेने गए हैं एक होटल में। तो सबका दिन में पता रहता है कि हम परिवार हैं, जो गेस्ट ही जा रहे हैं ना, मिस्टिक लेके जाए या कुछ लेके जाए, तो सबके दिन में ही रहता है। तो वो भी बेचारा मिस्टिक लाने गए हैं, मिस्टिक लेके आ रहे हैं। तो गाइस आंटी घर पहुंच गए, अब खाना वाना थोड़ा खाएंगे और फिर इनको लेके चल जाएंगे स्टेशन, क्योंकि वो भी रुकने वाले नहीं है, हम भी रुकने वाले नहीं हैं। ब्लॉक में कुछ काम है ना, तो हम जाएंगे ब्लॉक। तो ये बोल रहे हैं कि हमको साथ ले चलिए, हम चल जाएंगे घर। तो इनको स्टेशन छोड़ देंगे, जहाँ से आए वहीं चल जाएंगे। काहे कि होली का समय रहा ना, किसी ही रहने के लिए समय नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि हम चले जाएंगे घर, तो इनको साथ लेके जाएंगे, स्टेशन छोड़ देंगे और फिर चल जाएंगे घर। तो गाइस इनको छोड़ दिया स्टेशन के आसपास, स्टेशन के बगल में आसपास छोड़ दिए हैं। बगल में स्टेशन है तो वो चले गए स्टेशन, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के चल जाएंगे अपने घर। और हम फिलहाल अब जा रहे हैं अपने घर उन लोग को लाने के लिए ब्लॉक, क्योंकि उन लोग का आज ही का डेट है ना टोकन। तो चलते हैं उन लोग को लाते हैं ब्लॉक में, तो फिर ब्लॉक में मिलेंगे। हाँ एक वादा, और आज बुधवार है ना, तो आंटी को भी लाना होगा उनके घर से। देखिए अभी आए हैं आंटी के घर से, और फिर जाना होगा इन लोगों का काम करा कर आंटी के घर। आंटी घर जाएंगे, उनको रिसीव करेंगे आंटी घर से और ब्लॉक में ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि आज बुधवार है ना, आंटी की मीटिंग है। तो फिर इन लोग का एड्रेस चेंज करवा के निकलना होगा आंटी के यहाँ। पहले तो चलता हूँ अपने घर, अपने घर से सब लोग को लाना है, ला के फिर ब्लॉक में ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करके इन लोग का एड्रेस चेंज करवा के और इन लोग का चला देंगे, और फिर चल जाएंगे आंटी के यहाँ। पर देखते हैं क्या होता है ब्लॉक में जाकर। सो गाइस उनको स्टेशन से स्टेशन छोड़ कर हम आ गए हैं घर इन लोग को लेने के लिए। तो फिर अब चलते हैं इन लोग के लेके ब्लॉक में, टाइम भी हो गया है। सो गाइस फाइनली ब्लॉक पहुँच गए हैं, और उन लोग को बोलो कि मेरा मोटरसाइकिल से चलो। तो उन लोग बोले कि नहीं, हम लोग ऑटो से आते हैं, आप चलिए। तो उन लोग ऑटो से आ रहे हैं, तो उन लोग को वेट करते हैं। और उस तरफ आधार कार्ड के एड्रेस चेंज होती है, पर देखते हैं उन लोग को वेट करते हैं कब आते हैं। वो आ जाएगा 10-5 मिनट में आ जाएगा। अभी तो कोई भी ब्लॉक में नहीं आया वैसा आधार कार्ड बनवाने के लिए, आया कुछ ही करने के लिए, कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है। पर कुछ कुछ स्टाफ आए हैं और स्टाफ आने वाले हैं, और एक लड़का वो आया है और एक हम हैं।
अभी तो कोई फ़िलहाल अभी आया नहीं है, बिल्कुल एकदम सुनसान की तरह ही ब्लॉक है। आधा घंटा एक घंटा में सब ब्लॉक भर जाएगा, सब लोग आ जाएंगे, स्टाफ लोग भी आ जाएंगे, अभी तो कम ही स्टाफ आए हैं। बहुत शोर हो रही है, इसके लिए हम बवाल से रिकॉर्ड करके बोल रहे हैं कि हमारे जो गेस्ट है आने वाले, जो आधार कार्ड बनाने वाले हमारे मोहल्ले के जो आ गए हैं, वो देखिए सामने मोटरसाइकिल पर बैठे हुए, और जो आधार कार्ड जो बनाते हैं वो सर नहीं आए हैं, और जो फॉर्म जमा करते हैं वो सर आए हैं, जमा कर लिए हैं, अब देखते हैं उनको सर को कब आते हैं आधार कार्ड बनाने वाले सर। ब्लॉक का काम सारा हो गया, जितना करवाना था उसको एड्रेस चेंज करवा दिए, तो उन लोगों को भेज दिए ऑटो से, ऑटो से आया था तो ऑटो से भेज दिए घर। अब हम जाने वाले थे ब्लॉक से आंटी के घर रिसीव करने के लिए, क्योंकि आज आंटी की मीटिंग है ना, तो हम जाने वाले थे, तो आंटी ने फ़ोन कर दी कि मत आइए जे हम जा रहे हैं गया कुछ मीटिंग में, नहीं जाएंगे आंटी के यहाँ, चलते हैं अपने घर चलते हैं। हम तो जाने वाले थे आंटी को लाने के लिए, तो आंटी तो मना कर दी कि मत आइए गया मीटिंग है, तो गया मीटिंग में जा रहे हैं, तो फिलहाल हम जा रहे हैं अपने घर। सो गाइस फाइनली घर पहुंच गए, अब दोपहर होने वाली है तो खाना खाने का समय हो गया। खाना भी आंटी के यहाँ खाए थे, सिर्फ दो या तीन रोटी नाश्ता किए थे, और सवेरे के खाए हुए खाए, अभी खाना खा रहे हैं दोपहर के। और आंटी जाने वाले थे तो आंटी ने अचानक मना कर दी कि गया से कोई पदाधिकारी सर के कोई फ़ोन आया है, तो गए अटेंड करने गए मीटिंग, तो यहाँ तो मीटिंग करना था अटेंड, पर यहाँ सब कैंसिल कर दिया और चल गए हैं गया। तो फिर खाना वाना खाते हैं, तो फिर आप लोग से बातें करते हैं। सो गाइस काफ़ी रात हो चुके हैं, एडिटिंग कर रहे थे, एडिटिंग हो गई कंप्लीट, और कुछ काम कर रहे थे, हमारे मोहल्ले के कोई व्यक्ति हैं तो वो दिए थे आधार कार्ड चेक करने के लिए कि मेरा आधार कार्ड बना है कि नहीं बना है। तो देखिए ये रिसीविंग है, तो बहुत सारा रिसीविंग है, चार पाँच गो, तो वही हम चेक करें वही हम चेक कर रहे हैं। और एडिटिंग तो हो गई थी घंटा पहले, तो चेक करने में 15-20 मिनट लगा है और चेक करना है, तो एडिटिंग हो गई कंप्लीट और फिर चेक करेंगे, बहुत समय लगेगा। अभी टाइम हो रही है 11:03, तो फिलहाल इस ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं, और भी कुछ काम करना है ना, तो फिलहाल इस ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना, बैटन को प्रेस करना और कमेंट भी करना ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।